गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं एमिनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, एमिनो एसिड के रासायनिक गुणधर्मों पर बात करते हैं। तो आपको पीछे पढ़ाई अपन ने कि जो एमिनो एसिड है इसमें एक एमिनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिली ग्रुप होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है कि एक कार्बन चेन भी है बीच में, CHR। ठीक है ना, तो इस बेस पर क्या कह सकते हैं अपन कि एमिनो एसिड की क्या है कि कुल तीन प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी, कि ओनली एमिनो एसिड की, ओनली किसकी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। ठीक है, और तीसरी क्या है कि अपने इसमें दोनों को है तो एमिनो एसिड व कार्बोक्सिलिक दोनों समूहों की रिएक्शन। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड की गई है। ठीक है, तो फर्स्ट जो रिएक्शन आएगी वो आएगी एमिनो एसिड की रिएक्शन इसमें। ठीक है ना, एमिनो समूह की, सॉरी एमिनो एसिड नहीं, एमिनो समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अपन पहले इसकी एक पॉइंट नोट करते हैं, फिर आगे बात करता हूं मैं अभी। एमिनो एसिड में वन एमिनो वन एमिनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अतः इनकी केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन को थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है रिएक्शन ड्यू टू एमिनो ग्रुप, यानी कि एमिनो समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है, दूसरी क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिल समूह की अभिक्रिया। ठीक है, और थर्ड आती है दोनों की, एमिनो वे सॉरी एमिनो एंड एक सेकंड बेटा, इंग्लिश वर्ड उल्टा हो जाएगा नहीं। ठीक है, क्या आएगी, रिएक्शन ऑफ बोथ द कार्बोक्सिल एंड एमिनो ग्रुप। ठीक है, मीन यहां पर क्या है कि एमिनो व कार्बोक्सिल सॉरी कार्बोक्सिलिक कर दिया मैंने, हाँ सही बेटा, इसकी वजह से कंफ्यूज कर रहा हूँ। एमिनो वे कार्बोक्सिल
कार्बोक्सिल, फिर वही कर दिया, दोनों समूह, दोनों समूहों की संयुक्त अभिक्रिया है। तो ये थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पर आज अपन स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट का पार्ट क्या है इसका, रिएक्शन ड्यू टू एमिनो ग्रुप। ठीक है, इस पर अब अपन बात करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन आती है वो क्या है कि भाई एमिनो एसिड क्या होता है कि अपने पीछे पड़ा है जो ड्राइन स्ट्रक्चर में, सारी बात अपने क्लियर कर ली है कि जो एमिनो ग्रुप होता है वो क्या होता है कि बेसिक नेचर का होता है। के कारण ये क्या है कि एमिनो ग्रुप क्या है कि बेसिक नेचर का होता है, और इसके कारण से क्या है कि ये जो स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है ना, लाइक आप यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है ना, तो इनको खनिज अम्ल भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, कि इन अम्ल के साथ क्या है कि ये रिएक्ट करेगा, तो ये बेस हो गया, और बेस क्या है कि एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, साल्ट्स, ठीक है ना, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, लवण बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या है कि आप एमिनो एसिड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड का क्या होगा, साल्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्या है, बेसिक एमिनो ग्रुप के रीजन से, एमिनो ग्रुप के कारण से ये स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ रिएक्शन कर क्या बनाते हैं, साल्ट्स, साल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, साल्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि आप ग्लाइसिन ले लें यहाँ पर, ठीक है ना, ग्लाइसिन क्या होगा, COOH क्या ले लिया अपन ने, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन के जब आप क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ पर क्लोराइड का साल्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करेगा, ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर H3N+ CH2 और COOH और Cl-, ठीक है, क्या बन जाएगा ये, ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड, ये क्या हो गया यहाँ पर, साल्ट्स इसका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आती है रिएक्शन इसकी कि जब आप क्या है कि एसिल क्लोराइड या क्या है कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या कराते हैं कि एमिनो एसिड के आप रिएक्शन कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा यहाँ पर, एसिटिल डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, यानी कि आप एसिटिल के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एसिटिल डेरिवेटिव यहाँ पर प्राप्त होंगे, ठीक है। क्या होता है, जब एमिनो एसिड की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड
के साथ कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा? एसिटिल डेरिवेटिव। एसिटिल डेरिवेटिव बनते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर अपने एग्जांपल लें एलानिन। एलानिन क्या होता है? H2N CH CS3, ठीक है, और COOH, एलानिन, ठीक है। एलानिन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? इसकी, सॉरी, इसकी रिएक्शन आप क्या कराते हैं? एसिटिल क्लोराइड COCl, CH3COCl के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो एसिटिल डेरिवेटिव आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो वो डेरिवेटिव कौन सा होगा? CH3CONH CH CS3 और COOH, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या हुआ कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा, यानी कि यहाँ से Cl और यहाँ से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ठीक है ना। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और आपको क्या प्राप्त होगा? एसिटिल एलानिन। एलानिन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसकी नाइट्रस एसिड के साथ। एमिनो एसिड क्या करते हैं? एमिनो एसिड की नाइट्रस नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया कर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी यहाँ पर एमिनो एसिड ले लें, ठीक है। तो एमिनो एसिड ले H2N CH RCOOH, ठीक है ना। एमिनो एसिड लिया, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड HNO2 इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? RCH OH और COOH, यानी कि ये कार्बन कौन सा रहेगा? अल्फा, और इस पर ही क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये क्या फॉर्म हो गया आपको? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन आती है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 व एल्कोली KOH, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है कि यहाँ पर इसका साइनाइड फॉर्म होते हैं और ये साइनाइड का जो फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये क्या है? कार्बिल एमीन टेस्ट है, ठीक है ना। के साथ रिएक्ट कर क्या बनाते हैं? आइसोसाइनाइड बनाते हैं, जो क्या है? कार्बिल एमीन
एमिन टेस्ट, सॉरी जिसे कार्बिल एमिन टेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। यानी रिएक्शन क्या हो जाएगी यहां पर, एमिनो एसिड ये तो हो गया आपका एमिनो एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एल्कोली KOH, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, आइसोसाइनाइड। CHR और COOH, ठीक है, ये क्या फॉर्म हो गया है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का आइसोसाइनाइड। प्लस KCl प्लस पानी, रिएक्शन बैलेंस करेंगे इसमें तो यहाँ पर आपको 3 एल्कोहलिक KOH के मॉलिक्यूल रिक्वायर होंगे, तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड भी 3 निकलेगा और वाटर भी क्या होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ही एलिमिनेट होंगे, ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन आती है इसकी, न्यूट्रल एमिनो एसिड, ठीक है ना। न्यूट्रल एमिनो एसिड क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या करता है, संघनित होकर के क्या देता है, मैथिलीन डेरिवेटिव फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। कि यानी कि जो न्यूट्रल है, ठीक है ना, यानी कि न्यूट्रल आप कोई भी यहाँ पर एमिनो एसिड लेंगे उसकी रिएक्शन आप किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे, ठीक है ना। क्या होगा, न्यूट्रल एमिनो एसिड, एमिनो एसिड फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के साथ संघनित कंडेंसेट, संघनित होकर मैथिलीन मैथिलीन डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स बनाते हैं, ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस एमिनो एसिड क्या होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा इसमें से और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2 मैथिलीन डेरिवेटिव, ठीक है ना, एन CHRCOOH, ठीक है ना, मैथिलीन एमिनो एसिड क्या है ये, मैथिलीन एमिनो, ठीक है। और लास्ट इसकी रिएक्शन आती है वो क्या है कि जब आप इसे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है कि एमिनो ग्रुप क्या हो जाता है, इसमें से एलिमिनेट हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ठीक है ना। जब एमिनो एसिड को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट किया जाता है, हीट किया जाता है तो एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप का एलिमिनेशन निष्कासन, ठीक है ना, निकल जाता है, निकलता है, ठीक है ना, रिमूव हो जाता है, कुछ भी आप बोल देना, ठीक है, एलिमिनेशन हो जाता है तथा क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक,
कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी मेन रिएक्शंस हैं जो आज यहाँ पर ये समाप्त होती है। क्या है ये? एलानिन। ठीक है ना, क्या है? एलानिन, एलानिन है। इसकी रिएक्शन आप सॉरी इसको क्या करते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करते हैं, तो इसमें से क्या होगा कि एमिनो ग्रुप एलिमिनेट होता है। ठीक है, और आपको क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और प्लस अमोनियम आयोडाइड प्लस आयोडीन। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल रिक्वायर होंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? एमिनो ग्रुप की इसकी रिएक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाओं पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।